बकेला डायरेक्शन को लेकर के लगातार पिछले 4 महीने से मुझे जानकारी मिल रही है, चूंकि आचार संहिता लग चुकी थी इसलिए उसमें बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं, लगातार किसान ये बता रहे हैं कि पाइपलाइन को लेकर के क्या स्वीकृति हुई क्या नहीं हुई, उसके बाद टेंडर के विषय को लेकर के यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से सामने उजागर हो रहा है, तो इसलिए आज स्थल निरीक्षण करना पड़ा है और बकेला डायरेक्शन के पास आकर के सारे किसानों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ आकर के हमने स्थल निरीक्षण किया है और किसानों को ये मैंने आश्वासन दिया है कि जो उनके हित में होगा वही होगा। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो अभी प्राइमा फेसी जो दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले यही निर्देश है कि अभी वापस से उसका सर्वे हो, जो सर्वे रिपोर्ट की जो 2022 या 23 में ये बता रहे सर्वे हुआ है, हमने उसकी कॉपी मंगी है, जिस जो टेंडर हुआ है किस प्रक्रिया से टेंडर हुआ है उसकी हमने अगर ऑनलाइन उन्होंने की तो हमने उसका एक जानकारी मांगी कि सारे टेंडर की एक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा विषय ये भी आ रहा है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन करने की जो बात स्वीकृति जो बता रहे अधिकारी, लेकिन किसानों की मांग है कि पाइप बाहर से जाना चाहिए, तो उन दोनों विषयों को लेकर मतलब 3-4 इसमें विषय हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है एक बार चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे निर्णय पे हम पहुंचेंगे। अधिकारियों के साथ बात किया है आपने, ओपन नाली बनाया जाएगा फिर? देखिए मुझे मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगी, बहुत संतुष्टिपूर्ण मुझे जवाब नहीं मिला है। नियम कानून की जो बात करें तो हम भी जानते हैं कि नियम कानून से किस तरीके से खेला जाता है, जो पिछले 5-7 तक लगातार होते आया तो अब वो नहीं होगा और जो गलतियां पिछले समय हुई है हम उसको बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। और यहाँ की जनप्रतिनिधि होने के नाते जो जनता को मुझ पर विश्वास है तो निश्चित ही मैं इनके साथ हूँ, जैसी जो भी प्रक्रिया रहेगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे होगी पूरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।